वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तरुण, ये है ज्योति और आप देख रहे हैं तरुण नेगी ब्लॉग्स। इतने दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल रहा था क्योंकि मेरी हो चुकी है शादी और इतने दिनों में क्या क्या हुआ मैं आपको दिखाने वाला हूं। पर अभी के लिए अभी हम खा रहे हैं दाल, ये कल की दाल है, रात की कम हो गई, पानी डाल के और बढ़ाएंगे। चावल बन रहे हैं, ज्योति मैम ने चावल बनाया है हमारे लिए और रायता। ये क्यों निकाला आपने? ये तो आप खाते नहीं। ये मैंने रख रखा है ना प्लेट के ऊपर, ऐसे ही बस सजाने के लिए। नहीं, इसको यूज कर लेते हैं। अच्छा, क्या आपको लग रहा है ये शादीशुदा औरत है? नहीं लग रहा होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे शादीशुदा औरत बनी है। चलो लेट्स गो। अभी तो हम हैं नोएडा में, पर जो भी सारे फंक्शन हुए थे वो हुए थे देहरादून में। तो चलो दिखाता हूँ कि क्या क्या हुआ है। What's up guys? Welcome to देहरादून। मैं हूं तरुण और आप देख रहे हो तरुण नेगी ब्लॉग्स। और हम कहां से कहां पहुंच गए गाइस, नोएडा से देहरादून। क्या चमक रहा है इधर, बढ़िया धूप है, ठंड है पर धूप की वजह से पता नहीं चल रहा। मैं अभी उठा हूं जस्ट और शादी की तैयारियां जोरों शोरों से लगी हुई है। मौसम देखो गाइस क्या बढ़िया है, धूप सेको, जो नोएडा में 3 महीने से धूप नहीं सेकी थी सारी आज से। और तैयारी चल रही है, दिखाता हूँ क्या क्या हो रहा है। लड़ियाँ लग चुकी है और ये फ्रेम बन रहा है पर्दे लगाने के लिए मेन गेट से। नीचे से दिखाता हूँ, बाहर से कुछ ये ऐसा दिख रहा था, फिर बगल में एक प्लॉट था, वहाँ पे हमने घर में आए हुए मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम करने के लिए ज़मीन ले रखी थी। वहाँ पे पानी की दिक्कत थी तो हमने वहाँ पे नए नल चेंज किया। फिर मैंने धूप में बैठ के खाया अपनी दादी के साथ खाना और साथ में हमारे मेरी कजन्स के बच्चे भी थे। फिर इवनिंग में क्या मैंने सबसे मेन काम, मैं आया अपना हेयर कट करवाने। आफ्टर गाइस, अभी हम बाल कटा के आए और ये देखो हम कहाँ आ गए। ये क्या है, पटाखों का मॉल, आनंद फायर। तो आपने मॉल बना रखा है तो अब हम आ गए पटाखों के मॉल पे। ये वीडियो मत देखो गाइस, अब हम आ गए सब्जी मंडी मेरी शादी का खाना लेने। और यहाँ देखो बगिया है, तो मस्त ठंडा हो रहा है, मस्त सब्जियाँ हैं ताजी ताजी। अपनी शादी का खाना खुद लेने आ गए हम। क्या बोलते। और हाँ, एक दिन पहले हम देहरादून के पलटन बाज़ार भी गए थे बाकी बची शॉपिंग करने, और पलटन बाज़ार का कलेक्शन देखे तो मैं भी खुद शॉक हो गया। फिर मैंने देखा मेरी मम्मी चुपचाप बैठे हुए हैं, तो पता चला कि मेरी मम्मी ने बहुत बेनाड्रिल पी लिया। क्या पिया आपने? चाय चाय तो नहीं पिया आपने, वो पी दवाई है, मस्त आ गई नींद, नशा करके खतरनाक नींद। सारी शॉपिंग खत्म होने के बाद हम चले गए घर, क्योंकि अगले दिन से शुरू होने वाले थे मेन शादी के इवेंट। Yeah.
ये ठंड में शादी करने के नतीजे हैं। दिल्ली एक चेयर दे दो प्लीज, गला बैठ गया है गाइस। देख रहे हो फेरे रुक, इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि ठंड सबको लग रही है। है ना ज्योति? पंडित जी सो गए। पंडित जी कह रहे हैं एक फेरे में निपटा दूंगा। रहे और हम दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे का सम्मान। घर जाना है मुझे, घर जाना है। रील ले रही है, मोबाइल चला रही है ना? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है नहीं? सही बात है। तो ये क्या कह रहे हैं कि देशांतरेवा सब पुरांतरेवा, बोला जहां इस बीमारी से छूटने के लिए बोला मोबाइल से, वो मुझे अपने साथ ही रखो, फिर जो है चलाएंगे तो दोनों और सोएंगे तो दोनों। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? कि आज के बाद जो आपके और मित्र हैं महिला मित्र, उनको टाटा कर देना। महिला मित्र जो है आपके, उनको बोला टाटा कर देना, है ना? क्योंकि ये सब चीजें क्या होता है, ये परिवार को बिगाड़ते हैं सब। अच्छा, कि नसेब निया पर पार किया, नसीबी वस्तुओं का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आज के बाद उनको छोड़ देना। क्योंकि जब नशा करने से क्या होता है, जो हमारी रक्त धमनियां हैं ये 100 मीटर की स्पीड से दौड़ती हैं जब हम नशा करते हैं ना, चाहे नशा कोई भी हो। आजकल तो बड़ी खतरनाक रस, पहले तो लोग शराब पीते थे और भांग पीते थे, तो वो जो थोड़ा हल्का नशा था उसको देर में निकल जाता था, लेकिन आजकल बहुत बहुत सारे नशे हैं, तो उन नशों से बचना है। तो बोला क्या है, अगर आप करते हैं तो आज के बाद उन नशों को, उन नशाओं को छोड़ देना। विज्ञातं च स्वाहा इदं विज्ञाताय नमः, ओम विज्ञातिश्च स्वाहा इदं विज्ञाते नमः। पैसा वेस्ट ऊपर पानी पे आता खूब आज। Thank you.